हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को रॉयल इनफील्ड की बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 आज इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये जो बाइक आप लोग अपने सामने देख पा रहे हैं, ये है इसका बेस वेरिएंट। इस बाइक में आप लोगों को तीन वेरिएंट जो टोटल देखने को मिलते हैं, मतलब वेरिएंट तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन जो डिफरेंस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कलर थीम का रहेगा। आप लोगों को जो टैंक पे स्टिकर्स वगैरह हैं, यहाँ पे स्टिकर्स एंड अलॉय पे जो इसके स्टिकर्स वगैरह हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो ये है डिफरेंस जो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस बाइक के तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर। बाकी ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं, इस कलर का नाम है काजा ब्राउन एंड ये है इसका बेस वेरियंट। प्राइसिंग की बात करूँ तो 2,69,000 रुपीज इस बाइक का एक्सशोरूम प्राइस है, एंड अगर मैं बात करूँ उसके ऑन रोड प्राइजेस की, सो 3,11,940 रुपीज इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है अभी दिल्ली में। सो ऑलमोस्ट 3,12,000 रुपीज की आप लोगों को देखने को मिलती है ऑन रोड दिल्ली में। बाकी इस बाइक के बारे में आप लोगों को सारी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, प्राइस, साउंड, माइलेज, ये सब चीजों के बारे में कंप्लीट डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा। सो अगर आप लोग ये वाली वीडियो देखते हो, तो इस वाली वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस बाइक से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस बाइक की इसी वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। तो इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फटाफट से। सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने बाइक का एक 360 वॉक अराउंड आप लोगों को दे दिया है। सबसे पहले अब मैं बात करता हूँ उसकी स्पेसिफिकेशन की, आप लोगों ने लुक चेकआउट कर ली है। बात करते हैं इसके टायर से। जैसे कि आप लोग इस बाइक का टायर देख सकते हैं, काफी बड़ा आप लोगों को फ्रंट में एक 21 इंच का 90x90 21 इंच का आप लोगों को फ्रंट जो उसका टायर है वो देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को दोस्तों स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं। इसके बाइक के अंदर आप लोगों को अलॉय वगैरह देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। एंड आप लोग इसका टायर देख सकते हैं, बहुत ह्यूज है, काफी बड़ा इसका आप लोगों को जो टायर है वो देखने को मिल रहा है। ये टायर आप लोगों को सीएट का मिलेगा, इसके अंदर आप लोगों को ट्यूबलेस टायर ही देखने को मिलेगा। फ्रंट बैक दोनों ट्यूबलेस टायर है। रियर टायर इसका आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, रियर टायर इसके अंदर आप लोगों को 17 इंच का देखने को मिलेगा, 140x80 17 इंच का आप लोगों को रियर टायर मिलेगा। फ्रंट 21 है, रियर 17 आप लोगों को देखने को मिलेगा। काफी ब्रॉड टायर है भाई, 140 सेक्शन का टायर आप लोग देख सकते हैं, हाथ में भी नहीं आ रहा पकड़ने से, इतना बड़ा टायर इसके अंदर आप लोगों को मिलता है। सो दैट मीन्स ये बाइक आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कम्फर्ट जो है देने वाली है। एंड इसके अंदर आप लोगों को जो ग्रिप है, टायर ग्रिप भी काफी बढ़िया आप लोगों को मिलेगी। फ्रंट बैक दोनों ट्यूबलेस टायर है एंड आप लोगों को सीएट के टायर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को बाइब्री की ब्रेकिंग देखने को मिलने वाली है। एंड आप लोग फ्रंट डिस्क देख सकते हैं, 320 mm की इसमें आप लोगों को फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। एंड ये है इसकी रियर डिस्क ब्रेक, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 270 mm की आप लोगों को इसके अंदर रियर डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। एंड अगेन आप लोगों को बाइब्री की जो ब्रेकिंग है देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर आप लोगों को ड्यूबल डिस्क ड्यूबल चैनल ABS आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड ये है इसकी ओवरऑल फ्रंट से लुक, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं फ्रंट से लुक इसकी। अब बात करते हैं इसके मडगार्ड्स के बारे में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक फ्लैप मडगार्ड इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड ये जो मडगार्ड आप लोग देख पा रहे हैं, ये रिमूवेबल मडगार्ड होता है, आप लोग इसको रिमूव कर सकते हैं जब आप लोग ऑफ रोडिंग वगैरह करेंगे, ताकि जो टायर है इससे ना टकराए। बाकी आप लोग जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को हिमालयन की जो स्टिकरिंग है वो देखने को मिलेगी, ये 3D टाइप आप लोगों को स्टिकरिंग देखने को मिलती है। एंड ये जो मडगार्ड आप लोगों को प्रॉपर नीचे तक पूरा जो देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में दोस्तों आप लोगों को इसके अंदर USD फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिलते हैं एंड ये आप लोगों को शोवा के जो सस्पेंशन है वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं। सो भाई ये बहुत ही बढ़िया चीज है, इसके अंदर आप लोगों को शोवा के सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं। रियर इसके अंदर आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा एंड ये अगेन आप लोगों को शोवा का जो सस्पेंशन है वो देखने को मिलेगा। ये जो सस्पेंशन इसके अंदर दिए गए हैं दोस्तों, ये काफी जो एक्सपेंसिव बाइक्स होती हैं, 15 लाख 20 लाख 10 लाख, इतनी जो महंगी महंगी बाइक्स होती है उसके अंदर ये जो सारे फीचर्स है वो आते हैं, जो रॉयल एनफील्ड इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए में आप लोगों को दे दिए हैं। सो फीचर से बाइक फुली लोडेड है, भरी पड़ी है भाई, बहुत फीचर है इस बाइक के अंदर। बात करते हैं इसकी हेडलाइट के बारे में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फुली LED हेडलाइट इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है एंड जो इंडिकेटर्स है वो भी आप लोगों को अगेन इसके अंदर LED देखने को मिलती है। ये LED इंडिकेटर्स है एंड ये है इसकी टेल लाइट, जैसे कि आप लोग ये टेल लाइट देख सकते हैं इसकी, ये है भाई इसका रियर सेक्शन। इस बाइक के अंदर दोस्तों आप लोगों को जो इंडिकेटर्स है वो इसके टेल लाइट के अंदर ही देखने को मिलेंगे, इसके अंदर अलग से आप लोगों को टेल लाइट देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यही इंडिकेटर्स है एंड यही इसकी टेल लाइट है। सब कुछ इसके अंदर आप लोगों को LED देखने को मिलेगा, हैलोजन बल्ब में आप लोगों को कुछ भी देखने को इसके अंदर नहीं मिलने वाला है। फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी एंड ये है इसका वाइजर, छोटा सा वाइजर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। एक डिसेंट साइज है इसका, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, डिसेंट साइज आप लोगों को मिलेगा। बाइक की जो बॉडी है, ज्यादातर बॉडी आप लोगों को मेटल पार्ट्स में देखने को मिलती है एंड ये जो आप लोग सेक्शन देख पा रहे हैं इधर, ये है भाई इसका एक मेटल सेक्शन, यहाँ पे जेरिकन वगैरह लगाने का आप लोगों को अलग सेक्शन दिया जाता है पैनल्स वगैरह लगाने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को रॉयल एनफील्ड का जो पार्ट है, ये जिसपे लिखा हुआ आप लोगों को मिल रहा है, प्लास्टिक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, भाई अब तक का रॉयल एनफील्ड का सबसे ही ज्यादा मैसिव एक फ्यूल टैंक इसके अंदर आप लोगों को मिलता है, अब तक इससे बड़ा फ्यूल टैंक आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा रॉयल एनफील्ड के अंदर।
ये है दोस्तों 17 इंचेस का एक फ्यूल टैंक रॉयल इनफील्ड का, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एंड इस पर आप लोगों को बिल्कुल पेन है ये, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, तो इस पर आप लोगों को कोई स्टिकरिंग वगैरह ब्रांडिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को हिमालयन रॉयल इनफील्ड का आप लोगों को जो स्टिकर है वो देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके हैंडल एंड इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। जैसे कि आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं, कितना बड़ा साइज का आप लोगों को इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है देखने को मिलेगा। एंड ये फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। काफी सारे फीचर है इसके ऊपर, मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा। इसमें जितने फीचर है इसके ऊपर प्रॉपर एक आधे घंटे की, एक घंटे की वीडियो बन सकती है, इतने सारे फीचर इसके अंदर आप लोगों को मिलते हैं। बाकी हैंडल की बात करूँ तो ये इसका हैंडल आप लोगों को मिलेगा, काफी वाइड हैंडल है, जैसे कि आप लोग दिख पा रहे हैं काफी वाइड है, ठीक है। आप लोगों को प्रॉपर ग्रिप इसमें देखने को मिलेगी। एंड इसमें फीचर्स जो है बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। बाकी कुछ इसके स्विचेस आप लोगों को बताऊं तो अच्छी खासी डिसेंट सी क्वालिटी आप लोगों को उसके स्विचेस की देखने को मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे हॉर्न मिलेगा, इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम, एंड ये होम बटन आप लोगों को उसके अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक जॉयस्टिक आप लोगों को मिलती है। दूसरी साइड में आप लोगों को यहाँ पे एक हैजार्ड्स का जो स्विच है वो देखने को मिलेगा। एंड ये आप लोगों को सेल्फ एंड इसका इग्निशन का जो स्विच है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को मोड्स का स्विच देखने को मिलेगा। तो ये है इसके ओवरऑल सारे स्विचेस। एंड ये है इसके साइड मिरर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेटल साइड मिरर्स इसके तरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एंड ये है इसकी एक आप लोगों को एलईडी डिस्प्ले देखने को जो मिलती है। इस पर बहुत सारे फीचर हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी इसको होल्ड करके रखेंगे आप लोग इसके मोड वाले बटन को, तो ये दोस्तों चेंज हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारे आप लोगों को इसके अंदर जो कंट्रोल्स हैं देखने को मिलेंगे। फीचर लोडेड बाइक है, इतने फीचर हैं, इतने फीचर हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते दोस्तों, इतने सारे फीचर इसके अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं। बाकी चाबी की बात करूँ तो कुछ इस तरीके की आप लोगों को जो चाबी है वो देखने को मिलने वाली है, ठीक है। इस तरीके की आप लोगों को चाबी मिलेगी। यहाँ पे आप लोगों को 5 एम्पेयर का जो चार्जिंग पोर्ट है वो देखने को मिलेगा। अब तक रॉयल इनफील्ड के आप लोगों को 2 एम्पेयर का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को 5 एम्पेयर का जो चार्जिंग पोर्ट है वो देखने को मिलने वाला है। थोड़ा सा हम लोग पीछे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी सीट के बारे में। तो ये है काफी प्रीमियम एंड काफी ज्यादा सॉफ्ट कुशनिंग वाली सीट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को जो सीट मिलती है वो काफी ज्यादा अच्छी आप लोगों को देखने को मिलती है, काफी कंफर्टेबल है। पिलियन राइडर भी बहुत ज्यादा आसानी से बैठ सकता है। एंड यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों 7 किलो तक का आप लोग इसमें वेट रख सकते हैं। इसके बैकरेस्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स लोड कैपेसिटी 7 kg। एंड आप लोग यहाँ पे सामान वगैरह भी इसमें ले जा सकते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छी बात है। प्रीमियम से काफी मोटी रोड में आप लोगों को इसका बैकरेस्ट देखने को मिल रहा है। पीछे रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों की नंबर प्लेट लग जाएगी। एंड ये इसका ओवरऑल रियर सेक्शन, यहाँ पे आप लोगों को एक साड़ी गार्ड इसमें देखने को मिलेगा। एंड ये सारे मेटल फुटपैक्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, एडजस्टेबल है, सारे फुटपैक्स आप लोगों को मेटल के देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो ये है इसका एक काफी मैसिव इंजन जो कि है 452 cc का। एंड ये पावर प्रोड्यूस करता है 39.47 bhp की पावर विद 40 Nm ऑफ टॉर्क। 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स आप लोगों को देखने को मिलता है ये। एंड ये लिक्विड कूल्ड इंजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर दोस्तों आप लोगों को स्लिपर क्लच भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि हम लोग ये देख सकते हैं स्लिपर क्लच इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा। एंड ये लिक्विड कूल्ड इंजन है इसका, आप लोग पूरा जो इसका इंजन है वो देख सकते हैं। आप लोगों को थोड़ा डार्क यहाँ पर नजर आ रहा होगा, लेकिन ये है इसका प्रॉपर इंजन, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं। सिंगल हॉर्न इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। बैंड पाइप एंड साइलेंसर आप लोग इसका देख सकते हैं, काफी स्लिम से छोटा सा आप लोगों को इसका जो एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, लेकिन इसकी साउंड काफी ज्यादा लाउड रहने वाली है। अभी इसकी साउंड भी आप लोगों को मैं सुना देता हूँ, ठीक है। बाकी ये ओवरऑल सारी इसकी लुक, सारी चीजें आप लोगों को चेकआउट करा चुका हूँ, सभी चीजें आप लोगों को बता दी है इस बाइक के बारे में। दोस्तों बाइक के कर वेट की बात कर लेते हैं, 196 kg का इस बाइक का कर वेट है। सीट हाइट की बात करूँ तो 825 mm की सीट हाइट है इस बाइक की। एंड ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करूँ 230 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस है। सो काफी ज्यादा एक ये बाइक आप लोगों को ग्राउंड क्लीयरेंस देने वाली है। अगर मैं इसके साइड स्टैंड आप लोगों को दिखाऊं तो इसका जो साइड स्टैंड है वो काफी ज्यादा यूनिक दोस्तों बना दिया है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं इसका साइड स्टैंड कुछ अलग शेप में इस बार इसका साइड स्टैंड आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ये है इसका साइड स्टैंड, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये अलग जो है इस बार देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। बाकी इस बाइक की प्राइसिंग आप लोगों को बता चुका हूँ, सारे फीचर स्पेसिफिकेशन सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ।